दोस्तों ये है लक्ष्मण पहाड़ी पे जाने के लिए रोप वे। ये भाई गई, ये खाली है अभी के इस टाइम को देखो। तो अभी हम खड़े हैं यहाँ पे रोप वे वाली एरिया पे। तो ये आप लोग जाएंगे लक्ष्मण पहाड़ी के लिए, तो आप लोग पैदल भी जा सकते हैं, और अगर आप लोग जाना चाहते हैं रोप वे से तो आप लोग रोप वे से भी जा सकते हैं। और पर पर्सन जो टिकट है यहाँ पे 75 रुपये की टिकट है, तो 75 रुपये दे के आप लोग जा सकते हैं। और बच्चे 5 साल के जो लगभग 5 साल तक बच्चे हैं उनके लगभग 40 रुपये है, और 5 साल से नीचे तक के बच्चों की कोई टिकट नहीं है, फ्री जा सकते हैं। और चलिए अब चलते हैं, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये हमारा फर्स्ट है रोपवे एक्सपीरियंस तो लेने वाले हैं, तो चलें। ये आप लोग देख सकते हैं 75 रुपये हैं, और यहाँ पे सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और दो तरफा यात्रा 75 और आवश्यक दो तरफ यात्रा 40 रुपये बच्चों की, और रेट हैं तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो ये टोकन मिलते हैं इस तरीके से, और इधर से हम चलेंगे, आप लोग देख रहे हो इधर साइड से। तो ये है इधर, और बंदर बहुत सारे हैं यहाँ पे, लेकिन अभी भीड़ नहीं है इतनी ज़्यादा। ये है, तो ये देखो इसमें 3 लिफ्ट हैं, 1, 2, 3, और अभी कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, भीड़ नहीं है जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो। तो बैठ चुके हैं, और ये देखो हमारी क्यूटी पाई, ये देखो अभी हो गए बंद। दोस्तों ये है लक्ष्मण पहाड़ी पे जाने के लिए रोप वे, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो। और ये है भाई खतरनाक, पीछे साइड देखो, हालांकि इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, तो उसमें थोड़ा गैर सफर आराम आराम से जा रहे हैं। और ये देखो जो रास्ता, ये वाली देख रहे हो, ये रास्ता तो वैसी है जैसे आप लोग पैदल वगैरह जा सकते हो, लेकिन ये जो आप लोग रास्ता देख रहे हो यहाँ पे, इससे आप लोग जा सकते हो रोप वे के जरिए। और ये देखो भाई खतरनाक पहाड़ी, बेटा कैसा लग रहा है? ये बोल रही है कि ये क्या हो रहा है? ये भाई गई, ये खाली है अभी के इस टाइम को देखो, कुछ फैमिली गई है एक लास्ट वाली, और हम भी भाई चल ही रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं साथ हैं, तीनों साथ। हाँ तीन वो खाली चल रही हैं, कोई है तो है नहीं, पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी, इसलिए पैदल वाली यात्रा वो है, वो पैदल जा सकते हैं यहाँ पे। तो भाई लिटरली ऊपर चढ़ रहे हैं तो डर सा लग रहा है, लेकिन अभी इसमें क्या है कि अंदर फैन वगैरह नहीं लगे हैं ना, तो गर्मी महसूस हो रही है यहाँ पे। और तुम्हें कैसा लग रहा है? डर लग रहा है, और हमें भी भाई डर ही लग रहा है, क्या कर सकते हैं, चल ही रहे हैं। तो गाइस आ चुके हैं अपनी मंजिल पे जहाँ पे आना था लक्ष्मण पहाड़ी, और अभी उतरते हैं यहाँ पे, ये खुल गई, आ जाओ। ऑटोमेटिक सिस्टम, थोड़ा बंदर का ध्यान रखना। ये क्या कर रहा है इसके? ये देखो वो भी तीन बैठे हैं और उसके जुआ देख रहे हैं, और वो भी दिखवा रहा है। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पे लक्ष्मण पहाड़ी, और इस लक्ष्मण पहाड़ी की काफ़ी ज़्यादा मान्यता है, जो भी वक्त लोग यहाँ पे चित्रकूट में कामतगिरी पर्वत के दर्शन करते हैं और परिक्रमा लगाते हैं, तो वो भी इस लक्ष्मण पहाड़ी पे दर्शन करने के लिए ज़रूर आते हैं। तो लक्ष्मण पहाड़ी काफ़ी ज़्यादा ऊँची चढ़ाई पर है, तो कुछ भक्त लोग यहाँ पे रोपवे का यूज़ करके आते हैं, और कुछ भक्त ऐसे हैं जो पैदल पथ का प्रयोग करके लक्ष्मण पहाड़ी पे दर्शन करने के लिए आते हैं। इस लक्ष्मण पहाड़ी की मान्यता ये है कि जब 11.5 वर्ष राम लक्ष्मण सीता का वनवास था, तो उस टाइम लक्ष्मण जी इस पहाड़ी पर चढ़कर सीता जी की रक्षा किया करते थे, तो ऐसी मान्यता है। और साथ में यहाँ पे भरत और लक्ष्मण का भी मिलाप हुआ था, वो भी यहाँ पे पॉइंट हैं जो आप लोग मंदिर पर जगह जगह देख रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग को और भी मंदिर मिल जाते हैं ऊपर, जहाँ आप लोग दर्शन करके जा सकते हैं। गाइस अभी हम आ चुके हैं लक्ष्मण पहाड़ी, और ये देखो पीछे का जो व्यू है, कितना ज़्यादा प्यारा व्यू है।
और दूर दूर पे आप लोग देखेंगे, अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ऊपर से जो है पहाड़ियाँ देखने के लिए मिल रही हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। से आप लोग देख ही रहे हो, ये हैं गाइस पहाड़ियाँ भाई, बहुत ही ज़्यादा ऑसम व्यू है, काफ़ी ज़्यादा दूर दूर तक आप लोग देखोगे पहाड़ी पहाड़ी मिलेंगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा नज़ारा है देखने के लिए। तो आप लोग रोपवे से आते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को ये नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग आएंगे तो यहाँ पे लक्ष्मण जी के चरण पादुका भी आप लोगों को मिल जाएंगी, तो उनके भी आप लोग यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और साथ में आप लोगों को ये वाला जो मंदिर है सामने, श्री शेषावतार लक्ष्मण मंदिर, तो यहाँ पे इस मंदिर में भी आप लोग दर्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो पॉइंट है जहाँ पे चरण पादुका रखे हुए हैं, वहाँ पे भक्त लोग आते हैं और जो खम बने हुए हैं उनके गले लग के और दर्शन करके और वो चले जाते हैं। इधर साइड में आप लोग देखो हरा भरा माहौल है और बैठने के लिए व्यवस्था है जहाँ पे आप लोग बैठ सकते हो। साथ में यहाँ पे आप लोगों को झूले वगैरह, थोड़े व्यायाम वगैरह के लिए भी व्यवस्था मिल जाती है जहाँ पे आप लोग कर सकते हो। इसको देखो चलने के लिए कितनी परेशान है, क्या करे, बैठा रहो, मतलब बंदर आ गए, बंदर बंदर, ये देखो बंदर बंदर देखो, ये देखो तुम्हारी तरह है, ये देखो बनरिया, ये देखो बनरिया, ये है बेटा, देखो बुला रहा है वो, देखो बंदरिया बुला रही है, देखो जाओ जाओ जाओ। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप लोग आते हैं थोड़ा बंदरों से सावधान रहना, क्योंकि ये बंदर है ना आपका मोबाइल वगैरह छिड़ा ले जाते हैं। ये देखो इधर आ रहा है बंदर, ऐसे ही आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रख के रहना है बंदरों से। ऊपर यार गाता मिला रहा है, कैसा है मौसम, ठंडा। इधर साइड में आप लोग देख ही रहे हो यहाँ पे जो भी भक्त लोग आते हैं दर्शन करने के लिए और यहाँ पे अपना घर जो है बनाते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो। और ये इधर साइड में आप लोग देख ही रहे हो और इधर साइड में टोटल पहाड़ी, ये हैं इधर साइड में पहाड़ी जो आप लोग देख ही रहे हो, तो इस तरीके से हैं पहाड़ियाँ। और ये देखो आप लोग टोटल पहाड़ियाँ, तो काफ़ी प्यारा नज़ारा है यहाँ पे चारों तरफ जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो। और इधर साइड में ये देखो आप लोग सोनम बनाने में लगी हैं पत्थर के घर,